हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपके लिए एक बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बैक साइड से फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत इतना सुंदर दिखता है, बैक साइड से भी बहुत सुंदर डिज़ाइन दिखता है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप चाहे जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज स्वेटर में डालें, बच्चों के ड्रेस, जैकेट, मफलर, ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हैं। काफ़ी सुंदर बन के ये डिज़ाइन आता है और किसी भी कलर में बनाए, मैंने इसे येलो कलर में बनाया हुआ है, आप किसी भी कलर में इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आता है। ये देखिए बैक साइड से भी, क्योंकि हम मफलर वगैरह बनाते हैं तो हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो बैक साइड से भी दिखे, तो इसमें बैक साइड से भी डिजाइन दिख रहा है। ये देखिए, देरी ना करते हो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि मैंने डिजाइन किस तरह बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 21 फंदे डाल रखे हैं, फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से। पहला फंदा उतार बना लिया, ये भी बना लिया मैंने। ये फर्स्ट रो जो है आपने पूरी उल्टी करके बनानी है। फ्रेंड्स मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ, मगर फ्रेंड्स कुछ कमी रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमने रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना ली। अब सेकंड रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिया। अब ये पूरी रो जो हमने सीधे फंदे बनाने हैं इनको। ये पूरे फंदे हमने इस तरह, जब हम बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर बनाने के बाद पूरी सिलाई जो उल्टी सिलाई पूरी हमने प्लेन बनानी है और फिर एक सिलाई सीधी बनानी है बॉर्डर बनाने के बाद। अब हमारी थर्ड रो आ गई। थर्ड रो में फ्रेंड्स आपने डिजाइन डालना है, तो पहला फंदा आपने उतार लिया, धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा। अब ये एक फंदा हमने नॉर्मल सीधा बना लिया। अब ये जो अगला फंदा है हमने इसको तीन बार धागा लपेट के बनाया, ठीक है। ये अगला फंदा हमने तीन बार धागा, उसके बाद दूसरा फंदा भी हमने दो और ये तीन इस तरह बनाया। फिर तीसरा फंदा भी हमने एक दो तीन, फिर चौथा फंदा भी हमने एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटना है फ्रेंड्स आपने। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 बने। अब फाइव फंदा, 1 2 3 इस तरह आपने, ये हमारे फाइव फंदे, एक फंदा उतारा एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 फंदे हमारे ये जो है तीन बार हमने धागा लपेट के बनाए हुए हैं। अब एक फंदा हमारा बीच में सीधा आ गया, फिर अगला फंदा फिर 1 2 3, ये देखिए फिर आगे 1 2 3, ये दूसरा फंदा हो गया, तीसरा फंदा 1 2 3, ये तीसरा फंदा हो गया, चौथा फंदा 1 2 3, पांचवा फंदा 1 2 3, ये हमारा पांचवा फंदा हो गया, ठीक है। 2 3 4 5, अब एक फंदा हमारा सीधा आ गया, फिर 1 2 3, तीन बार धागा लपेट के एक फंदा बना, 2 और 3, दूसरा फंदा बना 1 2 और 3, ये तीसरा फंदा बना 1 2 3, ये चौथा फंदा
1, 2, 3, ये पांचवा फंदा। अब ये फंदा हमारा सीधा बना और ये लास्ट फंदा आप अपनी मर्जी से जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हमारी थर्ड रो बनी, ये देखिए थर्ड रो बन के हमारे साथ। अब फोर्थ रो में आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पहला फंदा उतार लिया, अब एक फंदा आपने उल्टा बनाना है, इसको फिर धागा बाहर किया, एक दो तीन चार और पांच, ये पांच फंदे हमने खोल लिए, ठीक है। अब ये धागा हमने इस तरह, फिर ये पांचों फंदे जो हैं हमने इस तरह, ये पांचों फंदे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आपने इस तरह इसमें ले लेना, ठीक है। फिर इसको इस तरह, फिर धागा यहाँ बाहर करना है, बाहर निकाल देना है यहाँ, ये देखिए फिर इस तरह, फिर धागा दोबारा से एक बार फिर धागा को इस तरह आपने लपेटना है, फिर धागा दोबारा लपेट के फिर ये पांचों फंदे आपने इस तरह लेने हैं, फिर ये धागा अंदर करके एक फंदा आपने उल्टा बनाना है, फिर धागा बाहर की, ये देखिए दो बार हमने इन फंदों में धागा लपेटा, ठीक है, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने खोल दिए। खोलने के बाद हमने ये देखिए हमने धागा यहाँ ले आए, ठीक है, फिर इसको यहाँ कर दिए, फिर दोबारा हमने सिलाई में ले लिए, फिर दोबारा एक फार फिर हमने धागा को लपेटा इस तरह, बड़ा टाइट करके नहीं लपेटना फ्रेंड, नॉर्मल धागा लपेटना है, ये देखिए। अब फिर इसको इस तरह लेके अगला फंदा एक उल्टा बनाना, फिर धागा बाहर के, ये देखिए फ्रेंड इस तरह आपको ये इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। अब फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे खोलने के बाद ये देखिए ये पांचों फंदे हमने इस सिलाई में ले लिए और धागा ऐसे, फिर दोबारा से एक बार फिर इस तरह धागा लपेटना है हमने, ये देखिए फिर इस तरह ये एक फंदा उल्टा और ये लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बना लिया, ये देखिए इस तरह हमने दो दो बार धागा लपेटा इनमें और एक एक फंदा बीच में उल्टा बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से, ये देखिए इस तरह हमारा ये हमारी फिफ्थ रो बन रही है। पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा हमने सीधा बनाया, ये अब ये वाले फंदे भी हमने एक दो तीन चार पांच इस तरह हमने सीधे बनाने हैं, ये रॉन्ग साइड है ये, मगर फंदे हमने सीधे बनाने हैं, ये देखिए एक फंदा ये सीधा बनाया, फिर ये पांच फंदे भी अलग अलग करके एक दो तीन चार पांच, फिर ये अगला फंदा एक दो तीन चार पांच, फिर ये अगला फंदा और ये लास्ट वाला फंदा, ये देखिए इस तरह, और ये राइट साइड से इस तरह दिखेगा डिजाइन। अब पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर रखा, 1, 2 इस तरह आपने पूरे फंदे, ये राइट साइड है तो पूरे फंदे आपने सीधे करके बनाने हैं। अब ये देखिए राइट साइड से पूरे फंदे आपने ये पूरी रो आपने सीधी बना ली, ठीक है। अब फिर आपने अगली रो जो है रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनानी है,
ये हमारी सेवंथ रो है। एट थ्रो में आपने पूरी सिलाई जो है सीधी बनानी है। ये अब ये पूरी रो आपने सीधी बनानी है। ये देखिए अब नाइन्थ रो पूरी उल्टी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइन जो है बन के, ये देखिए ये बन गया हमारा डिजाइन। और इसके बाद हमने 1 2 3 4 अब एक सिलाई फिर सीधी बना के अगली सिलाई उल्टी बनेगी, तब डिजाइन हमारा बनेगा। ये रो भी हमने पूरी सीधी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी पूरी सीधी बन गई। अब रॉन्ग साइड से हमने दोबारा उसी तरह एक फंदा उतारना है, एक फंदा उल्टा बना, एक फंदा सीधा बनाना है, ये नॉर्मल सीधा। फिर अगले फंदे, पांच फंदे हमने 3 बार धागा लपेट के बनाना है, जिस तरह हमने यहाँ बनाया उसी तरह। इस तरह इतना डिस्टेंस दे के आपने दूसरा डिजाइन डालना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, और फ्रेंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।